Assalamualaikum dear students, as all of you know that we have taken up the chapter, two chapters simultaneously. It is the circular motion and rotational motion, and in this regard I want to make you people remember that we have already given some of the lectures on these topics. Our lecture number one, it was the dot product of the two vectors. Our lecture number two, it was the cross product of two vectors. Our lecture number three, it was the kinematics of circular motion. Our lecture number four, it was the dynamics of the circular motion. And now we are in lecture number five. In lecture number five, we will discuss the applications of circular motion. But before I discuss the applications of circular motion, मैं आपसे बेटी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, जैसे हमने 12th क्लास के लिए किया है. और 11th क्लास हमेशा कंपेयर टू 12th क्लास ज्यादा टाइम लेता है. उसका रीजन ये है बेटे, 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 12th क्लास से बहुत ही ज्यादा है. तो 12th क्लास का सिलेबस हमने 95% खत्म किया है. अब आप लोगों का भी सिलेबस आराम से खत्म होगा, शायद 10 या 15 दिन 12th क्लास से आपको ज्यादा लगे. 100% सिलेबस आप लोगों का हम कवर कर रहे हैं बेटे. ये आपका कंसर्न नंबर वन है, जो मैं अक्सर मैसेजेस में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस होगा कि नहीं. द आंसर इज आप लोगों का 100% सिलेबस हम कवर करके देंगे पूरा, जैसे 12th क्लास का हुआ आप लोगों का भी हो जाएगा. सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये है कि सर अप्लाइड पार्ट का हम क्या करेंगे, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, बहुत ही अच्छा कंसर्न है. तो मेरे बेटे, इस कंसर्न का है कि फिलहाल हालात बहुत खराब है. हम फिलहाल 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट विच यू नीड इन द 11th क्लास. ठीक है बेटे, आफ्टर वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ द 11th क्लास, हमारा माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा कि 11th क्लास का जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो हमने किया. तो कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें मेरे बेटे पता होंगी ऑलरेडी. तो उसके बाद हम बेटे अप्लाइड पार्ट करेंगे अलग से. अगर मैं इस टाइम बेटे एप्लीकेशन पार्ट करूंगा भी तो वो उतना डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, सुपरफिशियली छोटे छोटे सवाल दिखाऊंगा, उससे हमें कोई भी फायदा नहीं होगा. तो मैं ये चाहता हूं कि हम एप्लीकेशन पार्ट अलग से करें, और वो अप्लाइड पार्ट सिर्फ वो बच्चे देखेंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे. जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो अप्लाइड पार्ट को छोड़ सकते हैं. तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कॉन्सेप्ट्स. हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारा फॉर्मलिज्म क्लियर होना चाहिए. तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं यही इल्तिजा करूंगा बेटे, कि थ्योरेटिकली एटलीस्ट, कॉन्सेप्चुअली एटलीस्ट आप पूरी फिजिक्स को एक बार पढ़े. फिर उसके बाद जो टाइम हमें बचेगा हम पूरा आराम से अप्लाइड पार्ट भी करेंगे. जिसको मर्जी है देखेगा, जिसको मर्जी है वो नहीं देखेगा. और अगर कोई बच्चा नहीं भी देखता है कोई बात नहीं, आगे जाकर के ये कॉम्पनसेट हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है. मगर प्रोवाइडेड पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा 11th क्लास का जो फिजिक्स है ये नीट लेवल पे हम अगर करेंगे तो 3 महीने में हम इसको आराम से कवर कर सकते हैं. आगे भी इट विल टेक 3 months टू स्टडी ऑल द फिजिक्स ऑफ नीट लेवल, जेई लेवल इन 3 months. तो बेटे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने टाइम, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है. आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, प्रॉपरली जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बेटे पढ़िए. हम पे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, और दूसरा फिर आप हम पे भरोसा रखिए कि हम आप लोगों का सिलेबस जो है वो पूरा अच्छे से करेंगे. ठीक है, बस आपकी दुआ होनी चाहिए और जिंदगी होनी चाहिए. तो मूविंग स्ट्रेट टू आवर टॉपिक, लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सर्क्यूलर मोशन, विच इज द एप्लीकेशंस ऑफ सर्क्यूलर मोशन. एंड इन द एप्लीकेशन पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट एप्लीकेशन, विच इज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्क्यूलर लेवल रोड. एक कार को एक सर्कुलर रोड पे हम मूव कराएंगे. तो मेरे बेटे आप मानो ये सर्कुलर रोड एक है, ध्यान से देखो. और ये जो सर्कुलर रोड है मेरे बेटे, ये असल में ऐसे रोड है, जैसे आपने देखा होगा
अक्सर हर अक्सर क्या मतलब आप कहीं पे भी जाओ आपको हर किसी सिटी में एक गोल मिलेगा, एक फाउंटेन होता है और वो फाउंटेन का गोल एक चक्कर मार सकते हो आप, वो गोल ये मान सकते हो, बीच में एक फाउंटेन होगा, आप ऐसे गाड़ी में एक सर्कुलर पाथ फॉलो करोगे वंस यू नेगोशिएट दैट कर्व। तो लेट अस सपोज मेरे बेटे ये आपकी गाड़ी है इधर, अब अगेन जो ये गाड़ी है आपको समझना पड़ेगा ये जो गाड़ी है ये ऐसे नहीं जा रही है, ये रोड ऐसा है, गाड़ी ऐसे जाएगी, इसका मतलब ये जो है ये गाड़ी का फ्रंट है, इसका बैक पीछे होगा, तो गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी, गाड़ी बोर्ड के बाहर आके गोल मारेगी फिर अंदर जाएगी, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रॉपरली। सो इट इज लाइक दिस, आपको मैं समझाना चाहूंगा मेरे बेटे, ये मानो आप ये गोल तो है नहीं वैसे, आप मानो ये सर्कुलर रोड है और ये गाड़ी है ऐसे, ये ऐसे सर्कुलर रोड और ये गाड़ी, तो गाड़ी गोल कैसे घूमेगी, ऐसे यहां से आएगी गोल मार के फिर वापस चली जाएगी, सो दिस इज द काइंड ऑफ सर्कुलर रोड। ओके, लेट द मास ऑफ द कार बी एम एंड लेट वी बी इट्स वेलोसिटी and let r be the radius of the circle in which the car wants to move. तो इसको हम लिखेंगे let a car of mass m moves in a circle of radius r as shown in the figure. यहां अच्छी बात यह रहेगी, let a car of mass m moves in a circle of radius r as shown in the figure. असल में इधर लिखना चाहिए हमें moves on a circular road. तो यहां पर आप circular road लिखेंगे, let a car of mass m moves on a circular road of radius r as shown in the figure, let v be the velocity speed of the car, ye gaadi ka speed hai v, very good, likho agla paragraph, पैराग्राफ चेंज करके ये कॉपी करो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ओके फोर्सेस बनाओ, तो यहां सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स बनेगा एमजी, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा एन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मेरे बेटे ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है कौन, गाड़ी, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला है जब जब कोई पार्टिकल सर्कल में जाएगा तो उसको जरूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कल में रहना है मेरे बेटे, सर्कल में रहना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ इस कार को कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, शाबाश, मास है एम, स्पीड है बी, रेडियस ऑफ द सर्कल है आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा बेटे एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मसला ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको चाहिए वो कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, किस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल बोला ना तो टुवर्ड्स द सेंटर ही चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मसला है कि देगा कौन, अब मसला है कि देगा कौन, देखो मेरे बेटे एम जी तो नहीं दे सकता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर, एमजी तो नीचे की ओर है मतलब एमजी नहीं दे सकता। आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन, मैं बोलूंगा मेरे बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर मगर नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड्स, ये भी नहीं दे सकता, तो तीसरा कोई फोर्स है जो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, एंड द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स। So in this case, मेरे बेटे दिमाग मेरी ओर, in this case, पार्टिकल को कितना फोर्स चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर, वो देगा कौन यार, फ्रिक्शनल फोर्स देगा। तो हम लिखेंगे मेरे बेटे द
forces acting on the car are normal reaction, gravitational force, and frictional force, as shown in the figure. इसको नोट करो कि इस कार पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हुआ. एक तो नॉर्मल रिएक्शन हुआ अपवर्ड्स, एमजी हुआ डाउनवर्ड्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हुआ टुवर्ड्स द सेंटर. वेरी गुड, वेरी गुड. ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, मैं बहुत खुश हुआ. आगे लिखेंगे मेरे बेटे, आगे लिखेंगे मेरे बेटे. शाबाश. द सेंट्रिपिटल फोर्स required by the particle is, centripetal force required by the particle is F is equal to mv square divided by r. इधर मैं c लिखूंगा. fc मतलब it is the centripetal force जो particle को चाहिए. कितना? mv square divided by r. इसको लिखेंगे बेटे इक्वेशन नंबर वन. वेरी गुड. अगला पॉइंट लिखेंगे द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय. बताओ मेरे बेटे ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देता है? इज प्रोवाइडेड बाय द. वेरी गुड. क्या नॉर्मल रिएक्शन देगा? नहीं. क्या ग्रेविटेशनल फोर्स देगा? नहीं. क्या फ्रिक्शनल फोर्स देगा? हा. इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड. इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आगे लिखेंगे देयर फोर. आगे लिखेंगे मेरे बेटे देयर फोर. देयर फोर. Therefore, frictional force is equal to mv square divided by r. ये देखो मेरे बेटे, कहीं ये आप इस F को centripetal force नहीं समझना. Centripetal force था fc, that is the requirement. वो mv square by r था, लेकिन देता कौन है? Frictional force, उसको हमने small f से represent किया है. तो here this small f is the frictional force. तो frictional force is equal to mv square by r. Very good. अब आपने जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जब आपने फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा होता है लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. ये आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. वेरी गुड. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को जब मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? एम वी स्क्वायर बाय आर. तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स के बदले क्या लिखेंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर. वेरी गुड. तो एम वी स्क्वायर बाय आर इस इक्वेशन में जो आपने फ्रिक्शन में पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर बाय आर. तो मैं इधर फ्रिक्शनल फोर्स के बदले लिख रहा हूं एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन. कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है मेरे बेटे. आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, हमेशा होता है लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बदले मैंने लिखा एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि मैंने ऊपर देखा फ्रिक्शनल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर. तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स के बदले एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन. वेरी गुड. इट इंप्लाइज एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस. एम जो है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? एम जी, क्योंकि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन भी इक्वल टू एम जी. तो एन के बदले में लिखूंगा एम जी. वेरी गुड. एम एम कैंसल. इसका मतलब हुआ मेरे बेटे वी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस. आर को उधर मल्टीप्लाई करो, आर इंटू जी. इसका मतलब हुआ मेरे बेटे वेलोसिटी इज लेस देन आर इक्वल टू, दिस वेलोसिटी इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू
एस आर जी। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा मेरे बेटे, जब ये गाड़ी इस सर्कुलर रोड पे चलेगी तो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी वेलोसिटी से चल सकती है, ऐसा नहीं है। इसका हमेशा एक लिमिट रहता है जिस वेलोसिटी से ये सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट कर सकता है। दैट वेलोसिटी हैज अ लिमिट। यू कैन नॉट नेगोशिएट अ कर्व विद एनी वेलोसिटी। आप बोलोगे सर कर्व नेगोशिएट करना है, मैं किसी भी वेलोसिटी से आऊंगा कर्व नेगोशिएट करूंगा, कर्व पे चढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आप हर किसी कर्व को एक प्रॉपर वेलोसिटी से नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपका वेलोसिटी उस प्रॉपर वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, आप स्किड हो सकते हो। इसलिए आपने सुना होगा कि जम्मू के रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू का जो रोड है वो कर्व्ड है। एक कर्व पे मैक्सिमम अलाउड स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर आता है 60 किलोमीटर पर आवर से तो स्किड हो जाता है, नीचे खाई में गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इट इज बिकॉज एवरी कर्व हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच यू कैन नेगोशिएट इट। हर किसी कर्व का अपना प्रॉपर वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है जिस वेलोसिटी से आप उस कर्व पे चल सकते हो। अगर आपकी गाड़ी का स्पीड उस मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा हुआ तो आप स्किड हो जाते हो। तो ये इक्वेशन हमें वही वेलोसिटी देता है। अगर आपको एक कर्व नेगोशिएट करना है, आपकी वेलोसिटी या तो म्यू एस आर जी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, तो आप एक कर्व सेफली नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपकी वेलोसिटी इस म्यू एस आर जी से ज्यादा है तो आप स्किड हो जाओगे, इस रोड से बाहर फेंके जाओगे आप, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो व्हाट डज दिस इक्वेशन गिव? शाबाश, देखो दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द एबो इन इक्वेशन द सेफ वेलोसिटी negotiate a curve is less than or equal to mu s r g ka under root. This is the meaning of this equation. Ki safe velocity to negotiate this curve is अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी और लेस देन अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसीलिए बेटे जब आप जम्मू जाते हो ना, आप देखना वहां पर, वैसे हम लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं, हम कुछ गड़बड़ वहां करते हैं। देखो क्या है, अगर आप जम्मू जाओगे वहां पे जब आपको एक टर्न नेगोशिएट करना होता है तो आप वहां पर एक साइड बोर्ड देखते हो, उस साइड बोर्ड पे लिखा होता है वेलोसिटी शुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। हर किसी कर्व पे अपना अपना साइन बोर्ड लिखा है कि इस कर्व पे आपका मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए या 50 किलोमीटर, 6 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कर्व। लेकिन हम लोग इतने अनसिविलाइज्ड होते हैं मेरे बेटे, जहां पर भी हमें ये बोर्ड दिखा हम इसको घर लेते हैं। बोर्ड को घर लेते हैं तो ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है कि ये कर्व किस स्पीड से नेगोशिएट करो, तो एक्सीडेंट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो वो कर्व वहां पे इसलिए लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, वो आपको बोलता है कि ये कर्व नेगोशिएट करने के लिए आपका स्पीड या तो 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए या उससे कम भी है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर से चलो। अब वहां साइन बोर्ड तो आपने घर लिया, साइन बोर्ड तो दिखा नहीं, तो ड्राइवर बेचारे को कहां पता है कि किस स्पीड से चलो। वो आता है 50 किलोमीटर पर आवर से तो स्किड हो जाता है। So that is the practical in this application of this equation. So this equation tells us with what maximum velocity we can negotiate a curve, we can drive on a curve. If we exceed that limit, we are going to skid off the road. So that is the practical. That makes this topic very, very important. So this was the application number one. How to negotiate a circular flat curve. Okay, मेरे बेटे, okay, मेरे बेटे।
अच्छा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच यू कैन नेगोशिएट दिस सर्क्यूलर कर्व? लिखो मेरे बेटे, द मैक्सिमम वेलोसिटी, लिखो मेरे बेटे, द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कर्व कैन बी negotiated is given by V max is equal to under root of mu S R G. This is the maximum velocity. This is the maximum velocity with which you can negotiate the curve. इससे ज्यादा होगा तो स्केल होगी, इससे कम होगा तो चलेगा. This is the वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने दिमाग में रखोगे. सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच वी कैन नेगोशिएट अ कर्व. अच्छा मेरे बेटे, लेकिन इंजीनियर्स का क्या है? देखो इंजीनियर्स का पर्पस ये है दुनिया में, वो हमेशा इस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फॉर्मूला से मुझे वी मैक्स मिलता है 30 किलोमीटर पर आवर किसी रोड पे, 30 किलोमीटर पर आवर, अगर किसी रोड पे मुझे वी मैक्स मिलता है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इंजीनियर को पता होता है कि देखो ये जो इंसान है ये तो जल्दबाज है, मैं किसी ना किसी तरह से इस वी मैक्सिमम को जो अभी 30 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा. इस सड़क पे 30 है, मैं चाहूंगा नहीं 30 ना हो, 40 किलोमीटर पर आवर हो या 50 किलोमीटर पर आवर हो, क्योंकि इंसान को हमेशा बेटे जल्दी होती है चीजें कर, और उसकी वजह से बहुत लॉस होता है. तो यहां इंजीनियर क्या करता है मेरे बेटे, इंजीनियर चाहता है कि जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिला अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, इसको और थोड़ा बढ़ाए ताकि इंसान एक टर्न को फास्टर नेगोशिएट कर सके. सो व्हाट वी डू टू इंक्रीज दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, if it was 30 by using this formula, we want to take this from 30 to 40 by doing something to the road. Engineer ye sadak ke sath kuch karta hai, kuch ulta seedha karega, wo main aapko aage bataunga. Sadak ke sath wo kuch ulta seedha karta hai aur jo ye maximum velocity hai jo abhi under root of mu s r g tha, ab ye maximum velocity isse bhi zyada hoga. To wo kya karta hai wo main aapko batane wala hu अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में. सो अब आप करेंगे विजय एप्लीकेशन नंबर 2. वेरी गुड. एप्लीकेशन इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. देखो मेरे बेटे इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमारा रोड फ्लैट था, ऐसे फ्लैट रोड था, तो फ्लैट रोड पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स, और उससे क्या होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वो मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया. अब दूसरा केस है, मैंने आपको कहा था कि इंसान जल्दबाज होता है, वी वांट टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इंसान ये रोड को बैंकिंग करता है. बैंकिंग करने का मतलब क्या है कि एक साइड से रोड एलिवेट किया जाता है. आप देखो ऑब्जर्व करो, जब भी आप किसी सड़क पे चलोगे, जहां जहां कहीं पर भी सड़क पे टर्न होता है, आप देखो जाकर के वो टर्न पे रोड एक साइड से ऊपर होता है, दूसरे साइड से नीचे, लेवल बराबर नहीं होता. ऑन वन साइड इट इज एलिवेटेड, ये ऐसे रोड आपको मिलेगा. उसकी वजह से क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. देखो मेरे बेटे, ये मानो गाड़ी अब ऐसे रहेगी, ठीक, ये गाड़ी का मास मानो आप लेट्स सपोज कितना है एम, जल्दी जल्दी से इस पर फोर्सेस बनाएंगे, यहां से होता है शबाश एम जी, और यहां से होता है नॉर्मल रिएक्शन. वेरी गुड. अच्छा, और ये एंगल है थीटा. सो व्हाट इज थीटा, इसको हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं. आपने इस साइड से रोल कितना ऊपर किया, दैट इज डिसाइडेड बाय थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बैंकिंग. कितना ऊपर आपने लिया रोड को एक साइड से, जितना आप ऊपर लोगे उतना ही एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा ज्यादा होगा. ओके मेरी बेटी. अच्छा अब यहां पर लिखेंगे आप, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. देखो द
ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑन वन एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड इन कंपैरिजन टू द अदर एंड ऑफ द रूट. दिस इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रूट्स. अब देखो किसी भी रोड को आप देखो, जहां पे भी रोड सर्कुलर टर्न लेगा वहां पर आप देखो रोड का एक साइड दूसरे साइड से ज्यादा ऊपर होता है, उसका लेवल ऊपर होता है कंप्यूटर, उसको बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं. तो वही हमने यहां पर लिखा ऑन अ सर्क्यूलर कर्व वन एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड इन कंपैरिजन टू द अदर एंड ऑफ द रोड, या सॉरी अदर एज ऑफ द रोड, अदर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड्स. ओके इसको आपने लिखा व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रूट्स. चलो मेरे बेटे अगला पॉइंट लिखेंगे. लेट एम बी द मास ऑफ अ कार विच नेगोशिएट्स अ कर्व of radius r with a velocity v. बताओ बेटे इसका मतलब क्या हुआ. गाड़ी का मास m है, ये एक सर्क्यूलर कर्व को नेगोशिएट करना चाहती है, मतलब सर्क्यूलर टर्न लेना चाहती है. किस वेलोसिटी से? v से. और उस टर्न का रेडियस क्या है बेटे? r. वेरी गुड. अगला पॉइंट लिखेंगे. The forces acting on the car are shown in the figure. फिगर में फोर्सेस बनाए गए हैं mg downwards और normal reaction. ओके अगला पॉइंट देखेंगे. Let theta be the एंगल ऑफ बैंकिंग. लेट थीटा बी द एंगल ऑफ बैंकिंग. कितना है बेटे एंगल ऑफ बैंकिंग? थीटा. तो मैंने क्या किया मेरे बेटे, मैंने सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड्स को डिफाइन किया कि क्या होता है. दूसरा फिर मैंने ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या बनाया. गाड़ी बनाई, उसका मास एम है, सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस आर है, वेलोसिटी है बेटे वी, फोर्सेस है एमजी इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर. चलो मेरे बेटे, हाँ हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, सो इट्स अ फ्रिक्शनलेस रोड. ओके चलो मेरे बेटे, अब हम मैथमेटिकली करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू द मैथमेटिक्स. चलो जी, नाउ वी आर गोइंग टू डू द मैथमेटिक्स. ओके सो मैथमेटिक्स करने से पहले मैं ये नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना चाहता हूं. ये एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का और ये दूसरा कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का. दिस कंपोनेंट इज एन कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज एन साइन थीटा. ओके नॉर्मल रिएक्शन खत्म. चलो मेरे बेटे लिखो. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द कार इज, ये कार को सर्कल में जाना पड़ेगा, सर्कल में जाना पड़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. कितना? एफ इज इक्वल टू चलाश एम वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज द रिक्वायरमेंट. एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए बेटे पार्टिकल को, इस कार को, एम वी स्क्वायर बाय आर. अब देखना है कि देगा कौन. लिखो इट इज प्रोवाइडेड बाय
इट इज प्रोवाइडेड बाय, जरा कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर। क्या नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है एन कॉस थीटा? नहीं, क्योंकि ऊपर की ओर है। क्या एमजी दे सकता है? नहीं, क्योंकि नीचे की ओर है। क्या एन साइन थीटा दे सकता है? हाँ, क्योंकि दिस इज टुवर्ड द सेंटर। सो इट इज प्रोवाइडेड बाय शाबाश एन साइन थीटा, वेरी गुड। डियर फोर मेरे बेटे, एन साइन थीटा जो है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वाई एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर? बिकॉज एन साइन थीटा प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, इसलिए एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा मेरे बेटे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट मेरे बेटे, इट इंप्लाइज जरा नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है एन कॉस थीटा किसके बराबर? ऊपर वाला फोर्स है एन कॉस थीटा, नीचे वाला फोर्स है एमजी, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी, वेरी गुड। इसका मतलब एन इज इक्वल टू एमजी बाय कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन एमजी बाय कॉस थीटा है, वो इधर लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बदले mg by cos theta, very good। फिर इधर sin theta is equal to mv square by r, m cancel, sin theta by cos theta is tan theta। आगे बढ़ाओ इक्वेशन को मेरे बेटे, आगे बढ़ाओ। It implies G, what is sin theta by cos theta? It is tan theta is equal to mere bete V square by R, very good। Iska matlab hua V square is equal to G R tan theta। Ye dekh, iska matlab mere bete, iska matlab mere bete V is equal to under root of G R tan theta, very good। ये देख, अब आप बोलोगे सर ये क्या है? मैं बोलूंगा मेरे बेटे दिस इज द वेलोसिटी, कितना? अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा, जिस वेलोसिटी से आपको गाड़ी इस कर्व पे चलानी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग से क्या हुआ? देख मेरे बेटे मैं आपको समझाना चाहूंगा, देख इधर देख, इधर फिजिक्स कहां काम करती है, देख मेरे बेटे। इससे पहले वाले केस में किसने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया था? फ्रिक्शनल फोर्स ने। इससे पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स गेव द सेंट्रीपिटल फोर्स, इस वाले केस में एन साइन थीटा गेव द सेंट्रीपिटल फोर्स। नोटेड दिमाग मेरी ओर, इससे पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया था, इस वाले केस में एन साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया था। फिर से बोलूंगा एक बार, केस नंबर वन में फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, केस नंबर टू में एन साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, और रियल सिचुएशंस में दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। तो इसका मतलब हुआ मेरे बेटे, एक रोड में बैंकिंग लाने से, एक रोलर में बैंकिंग लाने से फ्रिक्शनल फोर्स को सपोर्ट मिलता है। किसका सपोर्ट मिलता है? एन साइन थीटा का, और उसकी वजह से सेफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर पहले 30 था अब 40 है, पहले 30 होता था बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, अब 40 होगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज दिस एन साइन थीटा। इसका मतलब By banking a road, you are actually trying to maximum the safe velocity with which you can negotiate the curve. Okay, मेरे बेटे, और कितना velocity है? Because of the banking, किस velocity से आप चल सकते हो मेरे बेटे? Under root of g r tan theta. मगर ये equation कब applicable है? जब इस road में, ध्यान से देख मेरे बेटे, जब इस road में friction नहीं है, सिर्फ n sin theta है। आप बोलोगे सर ऐसा कंडीशन प्रैक्टिकली कब होता है? मैं बोलूंगा मेरे बेटे, जब एक रोड पे आइस जमा होता है,
जब एक रोड में कोहरा लग जाता है, आइस लग जाता है, तो उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स ऑलमोस्ट जीरो बनता है। तो उस केस में सिर्फ एन साइन थीटा ही है जो सेंट्रिपेटल फोर्स देता है, जो आपको वो कर्व नेगोशिएट करने में हेल्प करता है। और किस वेलोसिटी से आपको कर्व नेगोशिएट करना चाहिए? अंडर रूट ऑफ जी आर टैन थीटा। फिर से एक बार मैं नोट कराना चाहता हूं, अगर रोड में सिर्फ फ्रिक्शन है तो किस वेलोसिटी से था? अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर। अगर रोड में सिर्फ बैंकिंग है तो किस वेलोसिटी से चल सकते हो? अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। अगर रोड में दोनों है, फ्रिक्शन भी है बैंकिंग भी है, ना ये वेलोसिटी ना ये वेलोसिटी, दोनों से ज्यादा, वो कितना है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब फ्रिक्शन होगा तब क्या वेलोसिटी हो सकता है, जब बैंकिंग होगा तब क्या वेलोसिटी हो सकता है, जब दोनों होगा फ्रिक्शन भी बैंकिंग भी तब क्या वेलोसिटी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के। चलो मेरे बेटे इधर नीचे लिखो, दिस इज द सेफ वेलोसिटी विद विच a curve can be negotiated on a frictionless banked road। अब अगर आपकी velocity इससे कम हुई, किससे? अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा, तो चलेगा, कम हुई तो चलेगा, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिकिड हो जाओगे, खुदा ना करे एक्सीडेंट हो सकता है। चलो जी मेरे बेटे अगला लिखो, इसी में अगला लिखो एंगल ऑफ बैंकिंग, इसी में लिखो मेरे बेटे एंगल ऑफ बैंकिंग, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग बिल्कुल आसान। देख मेरे बेटे इस इक्वेशन में देख, क्या मैं लिख सकता हूं जी टेन थीटा यहां तक आप पहुंचे, फिर लिखो tan theta इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r g, g को उधर ले जाओ, theta इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना होना चाहिए एंगल ऑफ बैंकिंग? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r g। ये फॉर्मूला इंजीनियर्स को जरूरत लगता है, उससे वो उनको पता चलता है कि ये एंगल ऑफ बैंकिंग हम कितना रखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ द वेलोसिटी। तो इंजीनियर्स डोंट यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग, हमें इसको याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r g, दिस इज द इक्वेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें हमने अनबैंक्ड रोड पे, फ्रिक्शनलेस रोड पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी वो भी देखा, और केस नंबर वन अगर फ्लैट रोड होगा सिर्फ फ्रिक्शन होगा वेलोसिटी क्या होना चाहिए वो भी देखा। अब अगर दोनों होंगे, फ्रिक्शन भी होगा बैंकिंग भी होगा, तब क्या वेलोसिटी होना चाहिए? उसके लिए मैं आप लोगों को मेरे बेटे फॉर्मूला दूंगा, सीधे वो फॉर्मूला आप याद रखोगे, उस पर आपको नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। So we will go to case number 3, but we will not be deriving the result of case number 3. We will just remember the equation. Okay, mere bache? So write down case number 3. If friction and banking both are present, then ye case NEET ke liye bahut zyada important hai. 11th class ke liye important nahi hai. Then kis maximum velocity se aap drive kar sakte ho? V max is equal to under root of. Dekh mere bache, technique bolunga. Dekh. अगर सिर्फ फ्रिक्शन होता तो किस वेलोसिटी से आप ड्राइव कर सकते थे? अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, वेरी गुड। अगर सिर्फ बैंकिंग था तो किस वेलोसिटी से आप ड्राइव कर सकते थे? अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। ये तब की वेलोसिटी थी जब सिर्फ फ्रिक्शन था, ये तब की वेलोसिटी है जब सिर्फ बैंकिंग था। अब यहां दोनों है तो किस वेलोसिटी से ड्राइव करोगे? ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस, तो लिखो म्यू जी आर प्लस जी आर टेन थीटा, मगर इतना ही नहीं है, डिवाइडेड बाय है
1 minus mu del theta. This is the maximum velocity which you can have on a road which has both friction and rankine. This is the maximum velocity which you can have. And this maximum velocity is greater than this, greater than both of the two. Okay, agla point dekhenge. For minimum wear and tear of tires, the बेस्ट वेलोसिटी इज, एक टायर में वियर एंड टियर तब आता है जब फ्रिक्शन एक्ट होता है. तो अगर आप चाहते हो कि गाड़ी में वियर एंड टियर ना हो, टायर बचे, तो किस वेलोसिटी से आप ड्राइव कर सकते हो? देखेंगे वी मैक्स इज इक्वल टू, अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है तो म्यू का वैल्यू इधर भी जीरो डाल दो, इधर भी जीरो डाल दो, तो क्या आएगा? जी आर टेन थीटा अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा. This is the best velocity with which you can negotiate a curve. इसको लिखो नीचे V best. This is the best velocity with which you can negotiate a curve. Under root of G R tan theta. This is the maximum velocity with which you can drive negotiate a curve. Under root of this. अब आप बोलोगे सर ये क्या फर्क है, ये क्या है, क्या बोल रहे हो कि maximum ये है, best ये है, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया. मैं आपको समझाता हूं मेरे बेटे. देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि हर किसी कर्व का अपना अपना स्पीड लिमिट होता है. लेट अस सपोज एक कर्व है और इस कर्व का मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, आप मानो कि आप एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और एम्बुलेंस में पेशेंट है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है. तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आप ये कर्व को नेगोशिएट करोगे As fast as you can, क्योंकि जान बचानी है किसी की. आपने साइन बोर्ड पे देखा 40 किलोमीटर इज द लिमिट, यू विल ड्राइव एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर. दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस मैक्सिमम वेलोसिटी. कि मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉसिबल है 40 किलोमीटर पर आवर. अब सेम एम्बुलेंस ड्राइवर हो आप, पेशेंट नहीं है, मतलब आप आराम से जा सकते हो. अब आप सोचोगे कि मैं उस वेलोसिटी से ड्राइव करूंगा ताकि गाड़ी के जो टायर हैं वो बच जाए, उनमें ज्यादा घिसाई ना हो. तो आप इस वेलोसिटी से ड्राइव करोगे, बेस्ट वेलोसिटी से, विच इज अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा. सो बेस्ट वेलोसिटी इज समथिंग एल्स एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज समथिंग एल्स. ओके, सो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ द सर्कुलर मोशन. इसमें और एक एप्लीकेशन भी है, छोटी सी है, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट. वो अब आपको आराम से खुद से समझ आ जाएगी. थोड़ा सा नोटबुक, एक एक थोड़ी सी चीज आप खुद भी करो. व्हाई डज अ साइक्लिस्ट बेंड व्हेन इट नेगोशिएट्स अ कर्व? दिस इज एन असाइनमेंट फॉर, अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू. उसको अगर आप करोगे तो उसका आंसर भी इसी में से निकलेगा और आपको चैप्टर पे पूरा होल्ड भी आएगा. सो This is all about the circular motion and its applications. This was the last lecture of the circular motion. तो मेरे बेटे, हमने circular motion बिल्कुल खत्म किया. Everything except one small question. Why does a cyclist bend? Why negotiating a curve? This question you should be able to answer now. You must find the answer to this question. So we are done with the circular motion and our next lecture will be tomorrow and it will be the first lecture of rotational motion. तो पूरा rotational motion जो है उसमें मैं 6 lectures continuously upload करने वाला हूं. 6 lectures में हमारा पूरा का पूरा rotational motion खत्म हो जाएगा और हमारा बेटे physics का जो major portion है वो यही होता है. rotational motion तक physics में time लगता है. रोटेशनल मोशन खत्म, फिजिक्स खत्म, उसके बाद ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है. सो अब आप तैयार रहो. अब आपका सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पोर्शन यही होता है जो हम आज तक कर रहे थे, मैकेनिक्स. सबसे बड़ा सर्दर 11th क्लास में यही होता है, मैकेनिक्स से बाहर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है. उसके बाद बिल्कुल आसान सी फिजिक्स है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्क्यूलर मोशन. Now we will be starting the rotational motion. Dua mein yaad rakhna bete. Khuda hafiz.